घर में बाकी सब तो ठीक है और बाकी साथ के साथ रिश्ता भी अच्छा है, बस उमेश को अपने भाभी पसंद नहीं है। वो गीता को हमेशा एक गरीब घर की लड़की, एक बहनजी टाइप लड़की, एक अजीब लड़की जो बालों को गूंथ कर चोटी करती है, साड़ी पहनना पसंद करती है, सुबह सोकर उठती है तो बेड टी नहीं पीती है, पहले घर का काम करती है, नहाती है, पूजा करती है और तब जाकर चाय पीती है, पहले पति को खिलाती है उसके बाद ही खाना खाती है। इस तरह की आदतें देख देख कर उमेश इतना परेशान हो गया था गीता से कि हर वक्त उसका मजाक उड़ाया करता था। एक बार तो उमेश अपने चार दोस्तों के साथ आया हुआ था और अपनी बहन से कहता है कि भाभी से कहते ना कि अच्छा अच्छा खाना बना दे और बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता और स्टार्टर्स पहले मुझे दे मेरे दोस्तों के साथ। गीता तो बहुत समझदार थी, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती भी थी, बस उमेश ये चाहता था कि मेरे दोस्तों के सामने भाभी ना आ जाए, क्योंकि उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया था कि मेरे अशोक भैया की पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है, बहुत सुंदर स्मार्ट है। हालांकि गीता देखने में बहुत सुंदर स्मार्ट थी पर साड़ी पहनती थी। खाना बनाने के बाद जब सासू माँ ने कहा आज बड़े अच्छे अच्छे चीज़ बना रही है, तो गीता ने कहा आज देवर जी के बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं, उन्हीं के लिए फरमाइशें हैं, उन्होंने पहले ही चिट्ठा मुझे दे दिया था क्या क्या बनाना है। उमेश